हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। एनएन स्पोर्ट्स में आज बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कैप्टन विराट कोहली की। वानखेड़े स्टेडियम में जब आरसीबी और सीएसके के बीच मैच शुरू होने वाला था, जब टॉस का वक्त आया तो विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी को हक करते हुए नजर आए। एक जादू की झप्पी कह सकते हैं कि विराट कोहली ने दी महेंद्र सिंह धोनी को, जो बताता है कि दोनों के बीच में कितनी गहरी दोस्ती है। काफी लंबे वक्त के बाद महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की मुलाकात हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से दूर हैं, क्रिकेट के मैदान से काफी दूर हैं। विराट कोहली भारत के कप्तान हैं, वो तो रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी से उनकी मुलाकात काफी लंबे वक्त के बाद हुई थी और जैसे ही विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी टॉस के लिए, विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी को गले लगा लिया। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से दोनों हक करते हुए नजर आए और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसे फैंस भी काफी पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि काफी वक्त पहले टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने भी कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली एक दूसरे की काफी रेस्पेक्ट करते हैं और यही वजह रही कि टीम कभी भी टूटती हुई नजर नहीं आई जब ये दोनों ही खिलाड़ी टीम इंडिया का हिस्सा थे। हालांकि अब महेंद्र सिंह धोनी ने तो संन्यास ले लिया है, लेकिन विराट कोहली टीम इंडिया के कैप्टन हैं और उनकी कप्तानी में टीम इंडिया काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। महेंद्र सिंह धोनी ने जब कप्तानी छोड़ी थी तो विराट कोहली को टीम इंडिया की कप्तानी दी गई थी और उसके कुछ महीनों के बाद ये खबरें आने लगी थी कि दोनों के बीच में मनमुटाव है, विराट कोहली धोनी को पसंद नहीं करते या धोनी विराट कोहली को पसंद नहीं करते। ऐसी कई खबरें सामने आई थी। कई बार तो ये भी खबरें सामने आई थी कि विराट कोहली या जो टीम मैनेजमेंट है या उनके साथ जो कोच रवि शास्त्री है, वो नहीं चाहते कि महेंद्र सिंह धोनी टीम के अंदर बने रहे। लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों की तरफ से इस बात का खंडन किया जाता रहा। टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी इन अफवाहों को कभी भी हवा नहीं दी जाती रही और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यही सवाल जब टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री से पूछा गया था तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की काफी रेस्पेक्ट करते हैं। आपको याद होगा जब महेंद्र सिंह धोनी भारत के कप्तान नहीं थे और उन्होंने अपना 300वां इंटरनेशनल मैच खेला था, वनडे मैच खेला था, तो विराट कोहली ने बल्कि उनको एक सम्मान भी किया था और उस समय उन्होंने कहा था कि आप हमेशा मेरे कप्तान रहेंगे। जिस बात से ये चीज़ साबित हो जाती है कि विराट कोहली कितनी रेस्पेक्ट करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की। और कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा है कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स थे, महेंद्र सिंह धोनी का सपोर्ट उनको हमेशा मिलता रहा। जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, उन्होंने बहुत सारे युवाओं को बैक किया, जिसका नतीजा यह है कि टीम इंडिया के पास कई मैच विनर खिलाड़ी जो हैं वो अब सामने आए हैं। और सब जानते हैं कि रोहित शर्मा, उनको महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ज़्यादा बैक किया था। विराट कोहली जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे फर्स्ट टाइम और उनका बल्ला नहीं चल रहा था तो महेंद्र सिंह धोनी ने उनको एक एक्स्ट्रा चांस दिया था, जिसके बाद एडिलेड में विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई थी और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, जो टीम इंडिया के मैच विनर्स हैं, उनकी सफलता में, उनको बैक करने में महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा हाथ रहा है और यही वजह है कि विराट कोहली उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और जब वो टॉस के लिए आए तो उन्होंने उनको जोर से हक कर लिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।